गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो अपन ने आज टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक को ही टॉपिक आज डिस्कस होगा बच्चे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप च अपन यूज किया सी सिंगल लेंस, कंपाउंड माइक्रोस्कोप च अपन यूज करने वाले दो लेंस। ठीक है, इसके अंदर अपने को मल्टीपल इमेजेस होंगी। बेसिक ही बनूंगा, सिंपल बेसिक तो बात ही भी लिख दिया, फिर प्रॉपर डायग्राम से प्रॉपर यदि मैथमेटिकल पार्ट होगा। तो अपने को बेसिक थ्योरी की चलनी है कि अपने को एक हो जूगा अपने को ऑब्जेक्ट लेंस, एक हो जूगा आई लेंस। थोड़ा जहा ध्यान देख लो, जे आप ऑब्जेक्ट न फोकस से 2F के विचकार प्लेस करते हैं तो वो इमेज कितने बनती है अपने को, वो बनती है बियॉन्ड 2F। जे इस बियॉन्ड 2F वाले इमेज नो, दिस इमेज विल एक्ट लाइक अ ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड लेंस, दिस इज फर्स्ट लेंस, दिस इज सेकंड लेंस। तो एक ही काम करो अपने को ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट सेकंड लेंस, तो जी इसकी इमेज बनूगी दैट विल बी, मतलब इस आप लाइक रहेंगे सेकंड लेंस के सेंटर एंड फोकल लेंथ के विचकार, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ के विचकार। तो इमेज कितने बन जूगी, पीछे बन जूगी। जिहड़ी आह फाइनल इमेज बनूगी ये की होगी, यह इनिशियल ऑब्जेक्ट नालों काफ़ी बड़ी होगी। तो फाइनल इमेज में अपने कितने प्लेस करना है, अपने प्लेस करना है कैपिटल डी, दैट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। दिस इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। स्टेटमेंट भी सेम है, पहले आप थ्योरी लिखाएंगे, डायग्राम यदि काफ़ी लेंथी है तो इसलिए मैं डायग्राम में बाद से ड्रॉ करा, पहले आप थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अपने को की है, इट इज यूज टू फॉर्म, पहला थ्योरी देखी हुई थी, इट इज यूज टू फॉर्म मैग्निफाइड इमेज ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, मैग्निफाइड इमेजेस, इमेज ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। सिंपल माइक्रोस्कोप जब अपन स्मॉल ऑब्जेक्ट की मैग्निफाइड इमेज बनाने हैं, इसे विच अपन वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग की हो जो अपने को जो इतने डायग्राम ड्रॉ की है बेसिक जी, वही प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है कि जे आप ऑब्जेक्ट न फस्ट लेंस से फोकस से 2F के विचकार रखते हैं तो जी इमेज बनती है रियल इनवर्टेड मैग्नीफाइड होंगी है, तो बियॉन्ड 2F होंगी है विद रिस्पैक्ट टू फस्ट लेंस। फस्ट लेंस में आप कहेंगे ऑब्जेक्ट लेंस, सेकेंड आप कहेंगे आई लेंस या आई पीस, आई लेंस या आई पीस। ठीक है, तो अपने को जी सेकेंड वाली ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है, यह सेकेंड लेंस वास्ते ऑब्जेक्ट का काम करूंगी। तो इसको आप लाइक करावे बिटवीन द सी टू एंड दैट इज सी टू, इसमें सी टू कह देंगे सी टू एंड फोकल लेंथ फॉर द सेकेंड लेंस, जिस नाल इहदी इमेज की बनूगी वर्चुअल इनवर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड विद रिस्पैक्ट टू एक्चुअल ऑब्जेक्ट। क्योंकि जी वाली इमेज बन रही है तो दिख रही है विद रिस्पैक्ट टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट की अपने को इनवर्टेड है, वर्चुअल है एंड हाईली मैग्नीफाइड है, मेन इस पॉइंट ही हाईली मैग्नीफाइड है। ठीक है, स्टेटमेंट लिख लो, स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड टू एफ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस, तो पहले लेंस नो ऑब्जेक्ट लेंस कहेंगे, इट फॉर्म्स या इट्स रियल इनवर्टेड एंड एनलार्ज्ड इमेजेस फॉर्म्ड बियॉन्ड 2F, 2F तो बात बन जाती है। ठीक है, Now this image will act as a object for eye lens. तो यह इमेज के मैं काम करूंगी ऑब्जेक्ट का काम करूंगी फॉर आई लेंस, एंड इफ इट लाइज विद इन फोकस
ऑफ आई लेंस, मतलब फोकस से ऑप्टिकल सेंटर की गल कर रहे हैं, विद इन फोकस, देन फाइनल इमेज विल बी वर्चुअल इनवर्टेड। ऊपरली डायग्राम्स देखो, एक तो वर्चुअल इमेज आ वाली, ठीक है, आ वाली इमेज की गल कर रहे हैं, इनवर्टेड है, एंड हाईली मैग्निफाइड विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हाईली मैग्निफाइड इमेज मेन पॉइंट है, ठीक है। तो ये आपने कुछ हो गया प्रिंसिपल हो गया। फिर नेक्स्ट एक पॉइंट बनता है, दैट इज मैग्नीफाइंग पावर। थ्योरी जी इकट्ठी खत्म कर देंगे आप। तुसी की करना है, तुसी वीडियो नू पॉज करके नोट करो इसनू, इसनू आप एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कहां कह सकते हैं। वीडियो नू पॉज करके प्रॉपरली नोट करो एंड डायग्राम ड्रॉ करो। डायग्राम हाले मैं ड्रॉ करूंगा मेन वन, ये बेसिक डायग्राम से जिसकी हेल्प नाल आप इसनू अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल अगेन वुड बी एम कि खुलूगा बीटा बाय अल्फा। तो लॉजिक की बनूगा अपने को सेम जो पहला लिखा से, कल जो स्टेटमेंट सी बीटा बाय अल्फा की हो जाएगा अपने को, जिन्ना एंगल फाइनल इमेज ने आई थे बनाया, ठीक है, एंड जिन्ना एंगल ऑब्जेक्ट ने आई थे बनाया जब दोनों नु प्लेस करता अपने कैपिटल डी पे, तब दोनों रेशियो की अपने को मैग्नीफाइंग पावर है। दोबारा सुन लो, जिन्ना एंगल फाइनल इमेज ने बनाया उसको कह देंगे बीटा, जिन्ना एंगल ऑब्जेक्ट ने बनाया उसको कह देंगे अल्फा, ठीक है। तो इसको एग्जैक्टली एवं मार्क कर दें, आप दोनों इतने प्लेस करके आ बनी होंगी है, तो ये अल्फा होंगे, अपने को बीटा हो जूगा, नीचे वाला उपर वाला अल्फा हो जूगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बना रहे अल्फा, इमेज बना रही है बीटा, जब तो दोनों आपने 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेकेंड लेंस प्लेस किया, ठीक है। स्टेटमेंट भी सेम रहेगी, स्टेटमेंट की होगी इट इज defined as the ratio of angle made by final image at the eye to the एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन बोथ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर एट डी। डी की हो अपने को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज 25 सेंटीमीटर। जब अपने ऑब्जेक्ट नू भी 25 सेंटीमीटर रखता, इमेज नू भी 25 सेंटीमीटर रखता, उस मूवमेंट से जी मैग्निफिकेशन है दैट इज द रेशियो ऑफ एंगल मेड बाय फाइनल इमेज एट द आई टू द एंगल मेड बाय इनिशियल ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट कैपिटल डी डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। एंड जो मैथमेटिकल पार्ट है डायग्राम में थोड़ी ही लेंथी है, ठीक है, इन्हें तुम आ वाला नोट करो, मैं स्पेस क्रिएट कर लेना, होप सो उपला पोर्शन नोट कर लिया होगा, बाकी तुम वीडियो नू पॉज करके अपना नोट कर सकते हो, ठीक है, बट थ्योरी नोट करनी सारे वास्ते जरूरी है। एग्जाम के विच ही प्रॉपर लिखना पूगा तुम्हें थ्योरी वाले मैथमेटिकल पार्ट डेरीवेशन का पार्ट है, ठीक है।
बैकग्राउंड देख लो जी। थोड़ा जब मेरे को भी इतनी प्रॉब्लम थी कि डायग्राम ड्रॉ करने वास्ते ना लाइंस वगैरह चाहिए होने प्रॉपरली, इतने अपने को वो फैसिलिटी है नहीं। सारना पू आई ट्राई माई बेस्ट जिन्ना कर सकता। सब तो पहले छोटा जहा लेंस मार्क करना है, छोटा ही ड्रॉ करियो, वड्डा ना ड्रॉ करियो, जिदा एफ टू एफ ही नेड़े नेड़े हो। जिन्ना तुसी ऑब्जेक्ट नू टू एफ के नेड़े रखोगे उन्नी इमेज टू एफ के नेड़े बनूगी रिजल्ट। दिस इज इसमें आप कहेंगे ऑब्जेक्ट लेंस। जिन्ना इस नू ऑब्जेक्ट नू प्लेस करेंगे एफ के नेड़े उन्नी इमेज जो है वो बियॉन्ड टू एफ जाऊगी, मतलब उन्नी इनफिनिटी की तरफ जाऊगी। तो आप करेंगे टू एफ के नेड़े रख लेने ऑब्जेक्ट नू, ए बी इज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड टू एफ ऑफ फर्स्ट कन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट लेंस भी कह सकते हैं। तो अपने को पैरल आऊ रे, जेडी रे आऊगी पैरल, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरल आई, दैट विल पास थ्रू फोकस। ठीक है, तो एक जाऊ अपने को सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है करके। चलो डायग्राम सही बन गई, तो अपने को ए बन गई इमेज बन गई। इसनों कह देंगे ई डैश बी डैश, डायग्राम बहुत सारी बनने वाली ने इको ही। ठीक है, तो अपने को फर्स्ट वाला डिस्टेंस होगा उसमें की कहेंगे आप यू नॉट, दिस इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट लेंस। देन ए किया जो अपने को वी नॉट, दिस इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, जिसनों पर सी वन कह रहे हैं, दैट इज सेंटर ऑफ द फर्स्ट लेंस। बुक विच सी वन लिखे हुआ तब आई मार्क एट द सी वन। तो अपने को ए डैश बी डैश आ गया। फिर आपने की करना है, आपने जेड़ा ए डैश बी डैश है दिस विल एक्ट लाइक ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंथ। सेकेंड लेंस अपने को बन जूगा इतने, सेकेंड लेंस आई आई पीस बन जूगी, आई लेंस बन जू। तो उसने इतने ड्रॉ कर देने आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर अपने को जेड़ा सेकेंड लेंस हूँ व्डा हूँ दैट इज आई पीस व्डा हूँ, तो ऑब्जेक्ट लेंस के अंदर छोटा हूँ। हूँ इसते की करना आपने यह आई पीस या आई लेंस में इस तरीके प्लेस किया है कि जेड़ा अपने को वाला है डिस्टेंस है सी टू, तो यह अपने को है दिस इज यू की कहेंगे आप ई कह सकते हैं। ठीक है, यू ई कह अपने को है अपने को आई लेंस का इमेज डिस्टेंस, मतलब आई लेंस आई रिप्रजेंट कर रहा है, यू की अपने को ऑब्जेक्ट। तो यह ए डैश बी डैश इज एक्टिंग लाइक ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस। ए डैश बी डैश नु अपन ने प्लेस करता बिटवीन फोकल लेंथ एंड ऑप्टिकल सेंटर। फोकल लेंथ नु अपन इथे मार्क कर देंगे एफ ई, तो इन डिस्टेंस मार्क कर लेने एफ ई। ठीक है, तो इस साइड तो की जाऊ लाइट जाऊगी जाऊ स्ट्रेट, जिहड़ी जाऊ स्ट्रेट दैट वुड पास थ्रू फोकस। तो फोकस तो जदों अपने कोल जिहड़ी ऑब्जेक्ट होंगे बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर होंगे, तो उस मूवमेंट की इमेज पिछे बनती है, तो पिछे ड्रॉ कर लेने करके। ठीक है, तो एक पास करूंगी सी टू चो, जेडी पास करूंगी सी टू चो दैट वुड मूव लाइक दिस। ठीक है, हूँ सी टू चो पास कर गई, एक पास कर गई एफ टू चो, तो दोनों जी पिछे मीट करनियाँ ये बना देनगियाँ फाइनल इमेज। तो अपने को फाइनल इमेज आ गई है, स्केल नाल प्रॉपरली ड्रॉ करना तो सारे ने ताई चीज पता लगेगी, दिस इज फाइनल इमेज। तो इसका नंबरिंग ही देनी है अपने, ए डैश बी डैश हो गया, इसमें देवे ए डबल डैश बी डबल डैश, इसमें अपन नाम देवे फाइनल इमेज, दिस इज फाइनल इमेज। ठीक है, हूँ लॉजिकली ध्यान देखो, अपने कोल जेड़ा आ चीज है दिस इज एंगल मेड बाय फाइनल इमेज एट किथे ऑप्टिकल सेंटर सी टू ते, तो अपने कोल ए सेंटर तो इमेज का डिस्टेंस कितना आ जाऊगा, इसनों आप कहेंगे वी ई। इस जगह ते वी ई की इक्वल है कैपिटल टी दे, दिस इज
आईपीस वास्ते इमेज डिस्टेंस, ठीक है, दिस इज आईपीस वास्ते इमेज डिस्टेंस। डायग्राम ड्रॉ करनी है, वीडियो पॉज करो, स्केल वगैरह चखो, फिर ड्रॉ करिए, फिर चज नाल तुहाडी क्लियर होगी। ताई मैं कहिंदा सी लेंथी डायग्राम है, ठीक है। तो अपने को हो गया, अपने को बीटा एंगल दैट इज एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज ऑन द आई पीस। एक नूं इत्थे हुण ऑब्जेक्ट नूं इत्थे प्लेस करना की करेंगे, इस नूं पैरेलल च ड्रॉ कर लेंगे। पैरेलल च ड्रॉ कर लिया, ये अपने को बन गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का एंगल जो बनूगा उसनों अभी मार्क करेंगे अपना लाइक दिस। will move like this. This is called alpha. This नाम की देंगे a double dash तक थे आई गया, space create कर लेने हैं। a double dash तो already थे लिखा ही थी अपने, a double dash, b double dash होते हैं, इसमें b triple dash कर लेने हैं, ठीक है? तो a double dash अपना point बन गया base वाला प्रिंसिपल एक्सिस से, तो बी ट्रिपल डैश के अपने को टॉप पॉइंट बन गया। स्टेप क्लियर, तो हो गया अपने को अल्फा एंड बीटा एंगल। तो जी मैग्नीफिकेशन है वो की अपने को रेशियो ऑफ बीटा बाय अल्फा, मतलब टेन बीटा बाय टेन अल्फा। उस तो बाद अपने अगे अगे इलैबोरेट करना है, ट्रायंगल्स नहीं यूज करना है। सिंपल, हम अपने को लॉजिकली जो डायग्राम च देखांगे तो ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश कि इक्वल है ए बी दे नाल, इक्वल है अप्रोक्सीमेटली, इक्वल नहीं एग्जैक्टली इक्वल है। तो अपने को मैथमेटिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा है, तो मैं तो यही गल कहूँगा कि वीडियो में पॉज करो, आराम नाल डायग्राम ड्रॉ करो, स्टेप बाय स्टेप दोबारा देखो इसनों, ठीक है। तो ये चीज़ जाके क्लैरिफाई होगी कि अपने को फस्ट ऑब्जेक्ट लेंस की जो इमेज है दैट इज ए डैश बी डैश दैट इज एक्टिंग लाइक अ ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस। सेकेंड लेंस केड़ा अपने कोल, जिदा अपने कोल सेंटर C2 है, दैट इज लेंस इज कॉल्ड आई पीस या फिर आई लेंस, इको गल है। जिहड़ा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट दा ऑब्जेक्ट लेंस तो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय U0, जो डिस्टेंस इमेज दा ऑब्जेक्ट लेंस तो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय V0, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट मतलब A'B' दा आई लेंस तो है दैट इज रिप्रेजेंट बाय UE। ते जिहड़ी दी फाइनल इमेज है ओह किथे बन रही है अपने कोल, ओह बन रही है VE ते या फिर कैपिटल डी डिस्टेंस से, दैट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। मैथमेटिकल पोर्शन देख लो, इधर अपने कोल सेम चीज आऊगी, इफ विच विच पेन चलना हमेशा बंद हो जाता है। डायग्राम मैं दोबारा ड्रॉ करनी पू कर दूंगा, कोई चक्कर नहीं है, बट तुसी उस तो समझो। तो आपके को डायग्राम्स की सी दोबारा ड्रॉ कर रहे हैं, एक अपने को की है ऑब्जेक्ट लेंस है, ऑब्जेक्ट लेंस नु की करना है स्मॉल साइज नाल ड्रॉ करना है,
की करांगे आपां ऑब्जेक्ट नूं प्लेस करना है एफ एंड टू एफ दे विचकार, दिस इज एफ दिस इज टू एफ, जिन्ना आपां एफ दे नेड़े रखांगे ऑब्जेक्ट नूं उन्नी उसकी जिहड़ी बननी है इमेज वह इनफिनिटी दे नेड़े बनेगी। यार क्यों है? अपने ऑब्जेक्ट में प्लेस करना एफ टू एफ के विचकार, एक जाऊ स्ट्रेट, जो जाऊ स्ट्रेट वो पास करूगी फोकस चो, तो एक जाऊ सी वन तो दिस इसनों कहना कि ऑब्जेक्ट लेंस, थोड़ा मैं भी स्पीड से ड्रो कर रहा हूँ, इसनों आप कहता कि ए बी दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हाइट, तो लेट्स से अपने को इमेज बन गई। ठीक है, इसनों अपन स्केल जाके स्ट्रेट सही मार्क कर लियो, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का उस होगा उसमें कहेंगे यू नॉट, जो डिस्टेंस इमेज का होगा उसमें कहेंगे वी नॉट, इसमें कह देंगे अपन वी नॉट। देखिए अपने को ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ फर्स्ट लेंस, हूँ ए डैश बी डैश नो आप प्लेस करना है सेकेंड दैट इज आई पीस दे फोकस दे विचकार, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर दे विचकार, this is called eye lens, this is C2 center of curvature of या फिर optical center of second lens, एक जो focus, let's say focus है, तो जिधि image बन रही है, एक जगह है, इस side तो, ठीक है, जिधि जाऊगी straight वो जाऊगी focus तो, इसमें FE क्या दांगी, तो वो की करूँगी पीछे कटी होगी, एक पास करा दो C2 जो C2 is the optical center of second eye lens. The diagram is पहले नाल तो काफी बड़ी बन गई diagram. तब बन गया अपने कुल E double dash B double dash. जो अपने कोल object आ वाला A dash B dash है इसमें ऊपर कहाँगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस, तो दूजे नूं कह देंगे आपां इमेज डिस्टेंस फॉर आईपीस। ठीक है, इहदी वैल्यू कितने कोल होजूगी डी दे कोल होजूगी आ वाली वैल्यू, तो अपने कोल इस ने सेंटर ते एंगल जो बनाना है दैट इज बीटा, बीटा के अपने कोल एंगल मेड बाय फाइनल इमेज एट द सेंटर ऑफ सेकंड लेंस। जे आपां एंगल्स दी गल करते हैं, ठीक है, तो इसनों अगे एक्सटेंड कर लैंदे हां, इसनों एक्सटेंड कर लेंगे आपां अप टिल ए डबल डैश तक, ए डबल डैश इतने आ गया, बी ट्रिपल डैश इधर आ जाऊगा क्योंकि बी डबल डैश नीचे आ गया, तो इसका सी टू से जो एंगल बनूगा दैट एंगल इज कॉल्ड अल्फा, जो सी टू से एंगल बनूगा उसमें आप कहेंगे अल्फा,
जो आपां ने मैग्नीफिकेशन फाइंड करनी है वो की फाइंड करनी है बीटा बाय अल्फा, ठीक है क्लियर। नाउ इफ एंगल्स आर स्मॉल, इफ अल्फा एंड बीटा आर स्मॉल, तो अपने को बीटा के इक्वल बन जाएगा टेन बीटा दे एंड अल्फा के इक्वल बन जाएगा टेन अल्फा। इसमें आपां फिर लिखांगे एम बिकम इक्वल टू टेन बीटा बाय टेन अल्फा, फर्स्ट इक्वेशन। बस ट्रायंगल्स पिक करांगे, टेन अल्फा टेन बीटा की वैल्यूज करनी ने, लेंथी लेंथी मैथमेटिकल पार्ट्स ने। देखिए चलो अपने को ट्रायंगल्स कि दो टाइप के ट्रायंगल्स ने, एक चो आप टेन बीटा करना है, एक चो आप टेन अल्फा करना है। चाहे वीडियो में पॉज करके तुम नोट कर सकते हो, चाहे सिंपल तरीके नोट कर सकते हो। तो अपन एक ट्रेंगल लवेंगे अल्फा वास्ते, की ट्रेंगल लेनी है अपने अल्फा वास्ते, ट्रेंगल लवेंगे ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश सी टू। बीटा वास्ते की ट्रेंगल लेनी है अपने ए डबल डैश बी डबल डैश सी टू, ठीक है। तो टेन बीटा की जो अपने को जाएगा परपेंडिकुलर बेस वो की होगा ए डबल डैश बी डबल डैश बाय सी टू ए डबल डैश, सिंपल। जो टेन अल्फा है उस भी की बन जो अपने को ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश डिवाइड बाय सी टू ए डबल डैश, ये दोनों पुट करांगे वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन च, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो कैपिटल एम दी वैल्यू कितनी बन जो अपने को टेन बीटा ए डबल डैश बी डबल डैश बाय सी टू ए डबल डैश, फिर आज ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश सी टू ए डबल डैश, सी टू ए डबल डैश कैंसल, अपने को बचा ए डबल डैश बी डबल डैश बाय ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश। हूँ ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश के इक्वल अपने को ए बी दे इक्वल है, डायग्राम से ध्यान देखो तो अपने को एम के इक्वल बन जाता है, ए बन जाएगा ए डबल डैश दैट इज फाइनल इमेज डिवाइड बाय इनिशियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बन जाती है अपने को इक्वेशन फॉर द सेकंड इक्वेशन बन जाती है दैट इज फाइनल इमेज डिवाइड बाय इनिशियल ऑब्जेक्ट, सिंपल है इतने तक। फिर आप इस नु कन्वर्ट करेंगे फॉर फर्स्ट लेंस से सेकंड लेंस वास्ते, ठीक है। मैग्नीफिकेशन फॉर फर्स्ट लेंस, मैग्नीफिकेशन फॉर सेकंड लेंस, आप इन्हों की करना है मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है विद ए डैश बी डैश। वीडियो पॉज करो एंड नोट करो एंड समझ के देखो, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग आर एच एस विद ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश ना मल्टीप्लाई भी करना डिवाइड भी करना, तो अपने को कैपिटल एम किस कन्वर्ट हो जाएगा, मान जो अपने को ए डबल डैश बी डबल डैश बाय ए बी इनटू ए डैश बी डैश बाय ए डैश बी डैश। अपन करेंगे स्वैपिंग करेंगे इसमें इधर आवली टर्न हो तो अपने को बन जू ए डैश मतलब ए डबल डैश बी डबल डैश बाय ए डैश बी डैश इनटू ए बी इधर आ जू ऊपर बन जू ए डैश बी डैश, ठीक है। हुन लॉजिकली समझ के देखो कि जेड़ा अपने कोल ए डबल डैश बन रहे है बी डबल डैश डिवाइड बाय ए डैश बी डैश बन रहे है दैट इज मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस, दैट इज मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस दैट इज फाइनल इमेज बाय ऑब्जेक्ट दिस ऑब्जेक्ट लेंथ दैट इज ए डैश बी डैश, दोनों की हाइट की अपने को डिवीजन का की बनता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर द आई लेंस बनूगा। सिमिलरली फर्स्ट द ऑब्जेक्ट द फर्स्ट द इमेज का की बनता है अपने को ऑब्जेक्ट वाला, ठीक है। ते इस नो अपन चाहे थर्ड इक्वेशन पुट कर लेने हैं, कैपिटल एम दी वैल्यू बन गई। हुन अपन ने इस डिफाइन करना है कि एक्चुअल जो अपने को एम ई ते एम नॉट है कि क्योंकि अपन ने यूज करना है इंडिविजुअली, ठीक है। देख लो सिंपल है, कुछ नहीं है, एक बार लिख के देखना पूछ अज ना थानू आराम ना समझ के क्लियर हो जाएगा। हेयर एम ई की है दैट इज आई लेंस वास्ते
नेगेटिव इक्वेशन ओके ना जुगा जेड़ा सेकंड लेंस नहीं बिजुना है ए डैश बी डैश बाय किदे कुल ए डैश बी डैश थे तो एक ही अपने कुल फोर्थ इक्वेशन है ठीक है फिर आ जुगा अपने कुल एंड एम नोट की आ जुगा दैट इज ऑब्जेक्ट लेंस है किन्ना इमेज बना है ए डैश बी डैश बाय ए बी विल मार्क इट फिफ्थ इक्वेशन तो अपने कुल फोर्थ से फिफ्थ इक्वेशन आ गई ठीक है जिस अपने ऑब्जेक्ट लेंस दी मैग्नीफिकेशन डिफाइन कर लिया आई लेंस दी मैग्नीफिकेशन डिफाइन कर लिया क्लियर है तक लेंथी लेंथी है नहीं कह रहे कि लेंथी भी कट नहीं है काफी लेंथी है हूँ अपने ट्रायंगल्स पिक करनी है मतलब अपने हूँ डिफाइन करना है एम नॉट नू ते एम ई नू पहला आप एम नॉट नू डिफाइन करा फिर आप एम ई नू डिफाइन करा फिर उन्होंने आप फॉर्मूले च कन्वर्ट करा देखिए चलो एम नॉट नू डिफाइन करने वास्ते अपन ऑब्जेक्ट लेंस डिस्कस करना पेगा तो ऑब्जेक्ट लेंस दे विच ट्रायंगल होगी ए बी सी वन सिमिलर है ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी वन जे दो ट्रायंगल सिमिलर ने तो उन्होंने साइड्स की रेशियो वुड बी सेम साइड्स रेशियो की हो ए बी बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी वन ए बाय सी वन ए डैश ठीक है इसमें आप मार्क कर लेंगे सिक्स्थ इक्वेशन फिर आप पिक करेंगे कंपेयर करेंगे ऑब्जेक्ट लेंस वास्ते फिफ्थ एंड सिक्स्थ कंपेयरिंग फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन ध्यान नाल देखो ए बी ते ए डैश बी डैश सेम जी ने ठीक है रिवर्स कर देने आप इसको तो एम नॉट की इक्वल बन जूगा इट वुड बी इक्वल टू सी वन ए डैश बाय सी वन ए ठीक है सी वन ए डैश बाय सी वन ए हुण इस दे विच जे आपां साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं जे साइन कन्वेंशन अप्लाई करांगे सी वन ए डैश ध्यान नाल रखना है हुण ऑब्जेक्ट लेंस की गल कर रहे हैं तो सारा कुछ ऑब्जेक्ट दे डिस्टेंस दे हिसाब नाल देखना है तो सी वन ए की है ए डैश की अपने कोल प्लस वी नॉट है सी वन ए की है माइनस यू नॉट है आपने की किया अपलाइंग साइन कन्वेंशन अपने साइन कन्वेंशन अपलाई करती है लेंथी है आर्टिकल है छोटा नहीं है अपने की कहता एम नॉट की वैल्यू फाइंड किया अपने कितना एम नॉट इज इक्वल टू माइनस वी नॉट बाय यू नॉट ये अपने एम नॉट की वैल्यू फिगर आउट किया ठीक है इसनों सेवंथ इक्वेशन दे लो फिर आप की करा फिर आपने उसको फोर्थ इक्वेशन चुकने फोर आई पीस आ जूगा फिर आ जूगा फोर आई लेंस वास्ते जो देखो ट्रायंगल केड़ी केड़ी चकड़ी है ए डैश बी डैश सी टू जो है ऑब्जेक्ट की ट्रायंगल है सिमिलर टू ट्रायंगल ए डबल डैश बी डबल डैश सी एक ही अपने को ट्रायंगल केड़ी है यह इमेज वाली ट्रायंगल है ठीक है जे दोनों सिमिलर हैं तो आप की लिखा आप दोबारा ए डैश बी डैश बाय ए डैश बी डबल डैश किलोगा डिस्टेंस से किलो जूगा सी टू ए डैश सी टू ए डबल डैश इस मार्क करा अठवीं इक्वेशन स्पेस का चक्कर तो रहना रहना ठीक है वह कुछ नहीं कर सकते सेवंथ इक्वेशन से तो अपने को अठवीं इक्वेशन आ गई हूँ अठवीं इक्वेशन कंपेयर करा कंपेयर ई न कंपेयरिंग फोर्थ एंड एट्थ इक्वेशन तो अपने को एम ई की वैल्यू की है जो अपने को इट वुड बी सी ए डबल डैश बाय सी टू ए डैश
तब देखो सी टू ए डबल डैश बाय सी टू ए डैश किया जो अपने को दिस इज वैल्यू ऑफ एम ई दैट इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आई पीस। हूँ इसनों अपन ने जो ऑप्टेन किया था इसकी वैल्यू की बनूगी ध्यान देखो सी टू तो लैके ए डबल डैश का डिस्टेंस किन्ना है दैट इज माइनस टी ठीक है लैफ्ट साइड पर आ वाला तो सी टू तो ए डैश का डिस्टेंस किन्ना है अपने को माइनस यू ई तो की बन जूगा डी बाय यू। हूँ इसन जो नाइनथ इक्वेशन मार्क करना कर सकते हैं है अपने को वैसे ठीक है कर लो नाइनथ इक्वेशन मार्क फिर आप अप्लाई करेंगे लेंस फॉर्मूला लेंथ ही है मैं बार बार कह रहा हूँ अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला की है 1 बाय f इज इक्वल टू 1 बाय b माइनस 1 बाय u इनर साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं फोकल लेंथ की हो जो पॉजिटिव v कितने पे अपने को माइनस d पे जो फाइनल इमेज बन रही है माइनस u ही की है माइनस u e है तो अपने को की बने 1 बाय f e क्योंकि अपने को आई पी से इज इक्वल टू माइनस 1 बाय d प्लस 1 बाय u e आ बन गया अपने को चौथी बनी सारी स्पेस ही क्रिएट करनी पड़ेगी इक्वेशंस में ले जाके तो अपने को 1 बाय एफ ई के देखल बन गया ए बन गया माइनस 1 बाय डी प्लस 1 बाय यू ठीक है आप करेंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे अपने अगेन वैल्यू की दी है डी बाय यू की वैल्यू चाहिए आ वाली हाईलाइट कर रहा है मैंने मैं आ वाली वैल्यू चाहिए नाइन्थ इक्वेशन वाली ठीक है नाइन्थ इक्वेशन वाली वैल्यू चाहिए तो आप की करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स with d तो बन जो d by fe is equal to minus d by d plus d by u e कैंसिल हो गया कितना बन जो 1 तो d by fe के देख लो बन जो minus 1 plus d by u e जब तक वीडियो में तुम दो बार चार चैनल बैक इन देखोगे ये चीज याद नहीं होनी मतलब जब तक तुम खुद नहीं लिख के देखोगे d by u e की बन जू 1 plus d by f e बन जू ये अपने को की वैल्यू हो जूगी m e की वैल्यू ठीक है हम सेवंथ इक्वेशन वगैरह मैं चक रहा हूं अपने को की एम ई की वैल्यू होगी एम नॉट की वैल्यू होगी बस दोनों को कंबाइन कर तो वही अपना फाइनल रिजल्ट है ठीक है एम ई का वैल्यू किसे डी बाय यू ई की वैल्यू भी अपने को 1 प्लस एफ बाय डी बाय एफ ये याद करो सिंपल माइक्रोस्कोप से ही सी कि जिस मोमेंट पे जो फॉर्मूला बनना है कितने बनना है अपने को कितने इमेज बननी है कैपिटल डी पे दोनों को कंबाइन कर देने हैं ठीक है किस पुट करनी है थर्ड इक्वेशन च पेन भी अपने भी चली जाता है put in third equation the values of m naught and m e तो अपने को कैपिटल एम के देख लो बन गया m naught into m e m naught c minus v naught by u naught into 1 plus d by f e एक ही वैल्यू बन गई कैपिटल एम दी दैट इज टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ टोटल मैग्निफिकेशन बन गया अपने को लेंस की तो कैपिटल एम के इक्वल बन गया माइनस वी नॉट बाय यू नॉट 1 प्लस डी बाय एफ नेगेटिव साइन की शो करूंगा कि जेडी फाइनल इमेज बन रही है इनवर्टेड है डायग्राम से ध्यान देखो ए डबल डैश बी डबल डैश की है अपने को ऑब्जेक्ट दे विद रिस्पेक्ट टू इनवर्टेड इमेज है तो नेगेटिव साइन की शो कर रहे हैं नेगेटिव साइन शोज that final image is inverted final image is inverted ठीक है और की पता लगता है
जे अपने कोल इमेज डी दी जगह ते, वैसे नोट करके पॉइंट्स ने, जे अपने कोल इमेज डी दी जगह ते किते बने इनफिनिटी ते फाइनल इमेज, सेकंड पॉइंट ए फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट इफ फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट इनफिनिटी, देन तो कैप लाइन कितने हो जू, पहले भी किसी वन चक्के से अपन ने तो ये जो माइनस वी नॉट बाय यू नॉट डी बाय तो ये बंदा अपने कुल मैग्नीफाइंग पावर दा फॉर्मूला जे फाइनल इमेज कितने बन रही है दैट इज मेकिंग एट द सरफेस एट इनफिनिटी इंस्टेड ऑफ कितने बने डी दी जगह ते इनफिनिटी ते बनती है तो अपने कुल फॉर्मूला की बन जूगा वन गायब हो जूगा डी बाय एफ पर सिंपल जब तक इसको करके नहीं देखते ठीक है जब तक लिख के नहीं देखोगे दो बार कट होगा टोट तक ये चीज क्लियर नहीं होनी मैं पहला दस है तो एटलीस्ट टू टाइम्स इसको लिखना जरूरी है विद डायग्राम नेक्स्ट वाले अपने को क्वेश्चन आने के कंपाउंड माइक्रोस्कोप से बट हाले नहीं मैं डिस्कस करूंगा पहला तुम इस आर्टिकल इंपॉर्टेंट है ध्यान रखियो ये आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसमें सिंपल माइक्रोस्कोप है सिंपल माइक्रोस्कोप से अपने एक लेंस यूज किया है सिंपल वाला कंपाउंड माइक्रोस्कोप से अपन कितने लेंस यूज कर रहे हैं अपन दो लेंस यूज कर रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप से अपन दो लेंस यूज कर रहे हैं एक अपने को ऑब्जेक्ट लेंस है एक अपने को आई पीस है ऑब्जेक्ट लेंस जेडी इमेज बना रहे हैं दैट इमेज इज एक्टिंग लाइक अ ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस फिर वो सेकेंड लेंस आके प्रोड्यूस की करूंगा अपने को फर्दर इमेज प्रोड्यूस करूंगा ठीक है जिसकी स्पेसिंग कितने प्लेस की अपने को कैपिटल डी पे जो कैपिटल डी पे प्लेस की तो अपने को फॉर्मूला की बन गया माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इन टू वन प्लस डी बाय एफ लॉजिकल देखोगे तो दो लेंस ने दो लेंस ऑब्जेक्ट लेंस की अपने को मैग्नीफिकेशन आ गई माइनस वी नॉट बाई यू नॉट आई पीस की अपने को मैग्नीफिकेशन आ गई वन प्लस डी बाय एफ दोनों मल्टीप्लाई करता अपने को आ गई टोटल मैग्नीफिकेशन होगी तो जिमें जिमें लेंस होर प्लेस करी जाएंगे मैग्नीफाइंग पावर की हो जूगी मल्टीप्लाई हो जूगी ठीक है क्लियर तो दोनों की मैग्नीफाइंग पावर ने भी अपने करता मल्टीप्लाई करता जिस तरह उसकी टोटल कैपेसिटी इंक्रीज होगी जब तक ये आर्टिकल के डायग्राम से ड्रॉ करके लिख के नहीं देखते उब तक तो ये चीज क्लियर नहीं होनी पहला डायग्राम ठीक है डायग्राम भी मैनू भी दो बार ड्रॉ करनी पी की भी है तो आई डोंट थिंक सो कन्फ्यूजन रहनी चाहिए जे कोई कन्फ्यूजन है जब तक तुम लिख के नहीं देखोगे उब तक ये कन्फ्यूजन दूर नहीं होगी